अगर आप 16 से 25 साल के बीच के हैं तो अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो जो जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम वो आपको होंगे, वो दिक्कतें आपको होंगी आपके लाइफ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, ब्रह्मचर्य नाच करते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और इसे छोड़ना अगर चाहते हैं आप तो इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आप ब्रह्मचर्य नाच छोड़ ही देंगे शायद। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप अंतिम तक देखिएगा। तो अगर कोई भी ब्रह्मचर्य नाश करता है 16 से 25 के बीच में तो उसका सबसे जो भाई नुकसान होता है, पहला नुकसान, वो कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाएगा और चेहरा उसका हमेशा उतरा हुआ रहेगा, एनर्जी उसका हमेशा लो रहेगा और उसका हेयर फॉल भी होने लगेगा, रिसीडिंग हेयर फॉल, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेंगे। और आप ब्रह्मचर्य नाश करेंगे 16 से 25 के बीच में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस समय में आपको अपना लाइफ बनाना चाहिए उस समय में जो इंडिया का यूथ है वो लोग ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं लाइफ कहाँ पे जाएगा। कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता अगर ऐसा लोग करेंगे तो। लोग फोन देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हैं, तो कोई भी अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। तो अगर आप ये भाई करते हैं ब्रह्मचर्य नाश तो बहुत ज़्यादा आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, आप ताकतवर नहीं रहेंगे, आपको भीड़ में नर्वसनेस होने लगेगा और आप हमेशा निगेटिव सोचेंगे, किसी को भी देखेंगे उल्टा सीधा, हमेशा गुस्सा आपके अंदर रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, दिमाग भाई एकदम आपके दिमाग का बैंड ही बच जाएगा, दिमाग एकदम कमज़ोर हो जाएगा आप। तो यही सब भाई प्रॉब्लम होगा अगर आप करेंगे ब्रह्मचर्य नाश 16 से 25 के बीच में। अगर आप एक युवा हैं तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, वरना आपका लाइफ भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाएगा, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। लोग सुसाइड तक का सोचते हैं लेकिन लोग जान नहीं पाते हैं ये क्यों होता है, तो उसका जो जड़ है ब्रह्मचर्य नाश है। लोग डेली डेली ये करेंगे तो क्या होगा भाई, प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो इंडिया का युवा है वो सही रास्ते पे जाए, अपने करियर के ऊपर फोकस करें। तो आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए एंड लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो पाएंगे आसानी से। आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। आपका दिमाग एकदम तेज हो जाएगा, पढ़ने में आपका मन लगेगा, कोई भी काम अगर आप ठान लेंगे तो उसको आप पूरा करके ही रहेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको। लेकिन मैं यही कहूँगा अंत में कि आप ब्रह्मचर्य नाश मत कीजिए, कभी भी मत करना भाई, भूल कर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, माइंड पे नुकसान होता है, दिमाग पे आपका विचार जो है भाई एकदम निगेटिव हो जाएगा, थिंकिंग आपका एकदम निगेटिव हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में एक नया वीडियो का लिंक है, जाकर उसको देख लीजिए। धन्यवाद।